हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इनर हिजाब कैप। ये कैप बनाना बहुत ही इजी और क्विक है और बहुत जल्दी बन जाता है। एंड ये कैप को हमने अपने किसी भी हिजाब या नकाब के नीचे पहनना होता है। इसको पहनकर हमारे सभी बाल कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमने कोई भी अपना हिजाब या फिर नकाब पहनते हैं। सो, इससे कुछ दिन पहले मैंने क्रिस क्रॉस इंस्टेंट हिजाब की वीडियो पोस्ट की थी, जिसको आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो इसी के चलते अब मैं कुछ वीडियो हिजाब सीरीज़ में भी शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट में आपको इस टाइप की वीडियो भी मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, ये कैप बनाने के लिए हमने कुछ इस तरह से अपने हेड का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर आपका 20, 21, 22, तो तीनों में से आपका जहाँ भी आए तो इसी फॉर्मूले से आपको कैप बनाना है। तो आपका इन तीनों में से जो भी नंबर होगा, यानी तीनों में से जो भी मेजरमेंट आए, आपको इसी मेजरमेंट में, यानी जो मेजरमेंट वीडियो में दिखाया गया है, इसी मेजरमेंट से आप अपने लिए कैप रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आधा मीटर से भी कम फैब्रिक है एंड जो इस फैब्रिक का टेक्सचर है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है। सो गाइज, ये मेरे पास हौजरी टाइप का फैब्रिक है। ये ज़्यादातर मोस्टली हमारा रेडीमेड गारमेंट्स में यूज़ होता है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, जिसका हम आज ये कैप बनाएंगे। आप नॉर्मल फैब्रिक भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से फोर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप आधा मीटर फैब्रिक ले लें ये कैप बनाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको फोर फोल्ड कर लेना है। सो गाइस, फोर फोल्ड करने के बाद अब इस फैब्रिक की दो साइड फोल्ड हो रहेंगी और दो साइड ओपन रहेंगी। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वाली साइड फोल्डेड है एंड ये वाली साइड भी फोल्डेड है। और ये दो वाली जो साइड हैं, ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोर लेयर है, बिकॉज हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड किया है। इसके बाद अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो देखिए, इस साइड से ये लेंथ रहेगी। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने 17 इंच ली है। आप 20 इंच तक ले सकते हैं। तो 20 इंच आप ले रहे हैं तो बेल्ट आपकी थोड़ी और लंबी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से 8 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम जो लेंथ वाली साइड है, यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से भी 8 इंच मार्क करना है। तो आप देख सकते हैं, ये 8x9 का हमारा एक बॉक्स बन गया है। अब इस मार्क को हमने दूसरी तरफ सीधा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। इसके बाद हमने इस साइड से 3 इंच पर मार्क करना है। ये हमने लेंथ वाली साइड से मार्क किया है और 3 इंच हमने इधर मार्क करना है। अब इन दोनों मार्क को हमने सीधा स्ट्रेट इस तरह से मिला देना है। इसके बाद अब हमने यहाँ से कर्व शेप देनी है। तो ये कर्व शेप जैसे हम अपने आर्म होल में देते हैं, बिल्कुल उस तरह से देनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फ्री हैंड से ये गोलाई दी है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व से भी मार्क कर सकते हैं। एंड इसके साथ मैं आपसे फिर से बता देती हूँ, ये वही जो कैप है हमारा 20, 21 और 22 की जो हेड की गोलाई होगी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेंथ में आप हाँ बढ़ा सकते हैं, जो हमने 17 लिया है वहाँ पर आप 20 इंच ले सकते हैं। तो देखिए, मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमारा जो अनइक्वल फैब्रिक है, इसको हमने सीधा इक्वल कर लेना है। इसके बाद जैसे हमने मार्किंग की है, एज इट इज़ इसको कट कर लेना है। सो ये हमारा कैप का फोरहेड पीस कट हो चुका है। इसके बाद हमने सेंटर में इसमें एक छोटा सा नॉच लगाना है यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा आगे से कटिंग वाला पीस निकला है, यानी जो हमारा फैब्रिक बचा है, इसमें से हमने दो लेयर लेनी है। तो इसमें से हमने दो लेयर लेकर अपने कैप के जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है वो कट करेंगे। तो दो लेयर निकाल लेंगे। अभी देखिए आप, इसकी जो हमारी हमने आर्म होल का शेप दिया था वो गोलाई वाला पार्ट है, उस साइड से लेंगे और उसको हमने लेंथ में इस तरह से फोर फोल्ड फिर से कर लेना है। सो मैं यहाँ से फोरहेड वाला पीस हटा देती हूँ। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इसको हमने देखिए डबल फोल्ड कर लिया है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ किस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए, ये हमारी जो लेंथ वाली साइड थी, यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया तो ये हमारा फोर फोल्ड हो गया है। अब हमने ये वाली शेप को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा फैब्रिक है। अब यहाँ से हमने लेंथ लेनी है। तो ये हमारा 9 इंच है और 9 इंच ही हमें चाहिए था।
क्योंकि जब हमने फोरहेड पीस कट किया था तो उसमें हमने लेंथ 9 इंच ली थी, तो 9 इंच हमारा आ गया है। इसके बाद हमने यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करना है। ओपन होने के बाद ये 7 इंच रह जाएगा, तो यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद ऊपर से भी हम 3.5 इंच ले लेंगे और यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। अब इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ से जो गोलाई निकली है इसी को हमने मार्क कर लेना है और कट कर लेना है। तो यहाँ से हमने इसको एज इट इज़ कट कर लेना है, जैसे हमारे आर्म होल की शेप होती है, या फिर आप बोल सकते हैं नेक हम जिस तरह से कट करते हैं इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इसकी चौड़ाई 3.5 है और लंबाई 9 इंच है। अब देखिए जो गोलाई वाला पार्ट है इसके सेंटर में भी एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे यहाँ से। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे 2 पीस निकलेंगे इस तरह से। तो ये 2 पीस है हमारे, ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। इसके बाद जो हमारा फोरहेड वाला पीस था वो ले लेते हैं। तो देखिए जो हमारे फोरहेड की कटिंग हुई है इस पीस की, वो मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगी ये किस तरह से कट हुई है। तो सबसे पहले इसको हमने इस तरह से ओपन करना है और यहाँ से ओपन करके अब हमने इसको बीच में से डबल फोल्ड ऐसे करना है। तो बेल्ट जो दोनों बेल्ट है हमारी वो एक साइड में अलग अलग हो गई हैं। एक बेल्ट हमारी इस साइड आई है और एक इधर आई है। अब यहाँ से हमने इसको सिलना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी शेप कट हुई है फॉरवर्ड पीस की। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 1/2 इंच की दूरी पर, और यहाँ से जो हमने मार्किंग की है अब यहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से इसको हमने सिल देना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमने यहाँ से इसको सिल लिया है। सिलने के बाद अब हम इसमें जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। अब जो हमारी बेल्ट वाली साइड है कॉर्नर के, उसको भी हम यहाँ से कॉर्नर कट कर देंगे। तो कट लगाने से और कॉर्नर कट करने से हमारी जो बेल्ट है बिल्कुल परफेक्टली बाहर की तरफ टर्न होगी। तो यहाँ से दोनों कॉर्नर कट करने के बाद अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई अच्छे से करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये 4/8 पीस रेडी हो चुका है। अब इसके कॉर्नर हमने अच्छे से निकाल लेने हैं। इसके बाद देखिए सेंटर में हमने जो नॉच लगाया था यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। इसके बाद हमने ये 2 पीस लेने हैं जो कर्व शेप में कट किए थे, इसमें भी हमने सेंटर में नॉच लगाया था, तो मैं यहाँ भी आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। अब एक पीस को हमने अपने 4/8 पीस के नीचे इस तरह से रखना है और सेंटर को हमने दोनों सेंटर के आमने सामने रखना है। और इसके बाद अब हमने दूसरा वाला पीस लेना है और उसका सेंटर भी हमने यहाँ सेंटर से मैच कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे के सामने से हटे नहीं। अब देखिए बीच में हमारे फोरहेड वाले 2 पीस हैं और ऊपर नीचे एक एक पीस ये है। अब ये हमारे 4 पीस हो गए। इन चारों को पीस को हमने इस तरह से मिलाते जाना है और पिन लगाकर इनको सेट करते जाना है। तो फोरहेड पीस वाला जो हमारा ओपन वाला पार्ट है इसको हमने अपने इन दोनों पीस के साथ सेट करना है। तो जहाँ तक ये हमारा फोरहेड वाला ओपन वाला पार्ट आएगा वहाँ तक ये साथ चलेंगे। इसके बाद जो हमारे ऊपर नीचे के 2 पीस है ये हमारे दोनों पीस एक साथ सिल जाएंगे नीचे तक। सो फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमने बिल्कुल इस तरह से देखिए अब इस साइड से हमने पिन लगा लेनी है, जिस तरह से इधर लगाई है तो बिल्कुल हमने इसी तरह से यहाँ भी पिन लगा लेनी है। इस तरफ भी हमारी चारों लेयर आएंगी, तो चारों लेयर को बराबर मिलाते हुए जो हमारे ऊपर नीचे पीस की गोलाई है उसको हमने बराबर मिलाते हुए रखना है और पिन लगाते जाना है। यहाँ पर मैं कहीं भी कट नहीं करूँगी और आपको पूरा दिखाऊँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और वीडियो में कुछ समझ में ना आए या मैं कुछ समझा नहीं पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी कमेंट बॉक्स में। और जो मेरा क्रिस क्रॉस का हिजाब है उसका ट्यूटोरियल भी आप ज़रूर देखें। तो देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अब बस हमने इसको यहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन पर सिल देना है और जो बेल्ट वाली साइड है उसको अंदर रखेंगे और यहाँ से हमने इसको सिल देना है। तो इस तरह से हमने देखिए सिल दिया है। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको बाहर की तरफ टर्न करें तो ये प्रॉपर गोलाई में आए, और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है वो ऊपर नीचे जो हमारे पीस है उसको हमने फोरहेड पीस के ओपन वाली साइड से लगाई है और बेल्ट वाली साइड हमने इसको बचा कर रखा है। अब इसको हमने यहाँ से निकाल लेना है बाहर की तरफ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा
कैप का बैक वाला पार्ट रेडी हो चुका है। और ये दो पीस जो हमारे हैं, ये बेल्ट है जो हमारे सर के ऊपर जाकर कैप को अच्छे से टाई करेगी। इसके बाद जो अभी हमने पीस ज्वाइन किया है अपने कैप के साथ, यहाँ पर आप ऊपर की तरफ सिलाई भी कर सकते हैं। तो ये इसकी दोनों साइड एक जैसी हैं, अंदर से और बाहर से ये एक जैसा रहेगा। आप कहीं से भी इसको पहन सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 इंच लगभग हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो इसको हमने यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है एंड इसमें हमने लास्टिक लगानी है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये हमारा लगभग 6.5 इंच है, तो 4 इंच की हमने लास्टिक लेनी है। मैं यहाँ पर पतली वाली लास्टिक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो 1/2 इंच चौड़ी भी लास्टिक ले सकते हैं। तो इसको 4 इंच पर कट करेंगे। अब इस लास्टिक को हमने इसके दोनों सिरे से इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। तो लास्टिक को यहाँ पर रखेंगे और 2 से 3 टाँके यहाँ पर हमने सिलाई के लगा देने हैं। तो इसको भी मैं इस साइड से भी मशीन से 2-3 टाँके अच्छे से लगा दूंगी, तो ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए सिल दिया है। इसके बाद इसको हमने डबल फोल्ड करके इसके साथ सेट करना है। तो यहाँ से लगभग 1/4 इंच फैब्रिक हम डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ से सिल जाएगा। अब यहाँ से हमने सिलाई लगानी है किनारे पर और दोनों साइड के सिरे पर भी सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारी लास्टिक अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, हमने सिलाई लगा ली है। अब अंदर से जो हमारी लास्टिक है वो बिल्कुल सिक्योर हो गई है। तो इस तरह से ये हमारा इनर हिजाब कैप रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये साइज़ आप 20, 21 और 22 के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे फोरहेड सिर की गोलाई है वो 10 इंच है और जो आगे की तरफ हमारा 6 इंच एक्स्ट्रा है, तो ये हमारी बेल्ट बनेगी जो बांधने के लिए काम आएगी। तो इसको आप चोटी के पीछे यहाँ से इस तरह से बांध सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बंधेगी। और स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं इसको हमने किस तरह से वेयर करना है। सो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे चैनल पर, बिकॉज़ आने वाले दिनों में हम नकाब डिज़ाइन, हिजाब डिज़ाइन और अबाया डिज़ाइन भी ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैं अब ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो आने वाले दिनों में मैं इस तरह की वीडियो भी पोस्ट करती रहूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।